नमस्कार मित्रों, जय राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ चेकपॉइंट में। मित्रों, हम सभी को भूत प्रेत के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा ही बनी रहती है। कुछ लोग भूत प्रेत होना मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। देखिए मित्रों, सभी को अपने विचार मानने की पूरी आज़ादी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 15-16 बिंदुओं के माध्यम से ये बताऊँगा कि अगर आपको अपने आसपास या आपके घर के अंदर इनमें से कोई भी संकेत दिखाई देता है तो आप ये मान लेना कि आपके आसपास भूत प्रेत की मौजूदगी है। अब ये भूत प्रेत अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। मित्रों, जिस तरह दिन है तो रात भी है, सच है तो झूठ भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है और भगवान है तो शैतान भी है। मित्रों, यदि आपने अपने जीवन में अभी तक शेर नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेर नहीं होते हैं और आप किसी की बात माने बिना ही ऐसे जंगल में चले जाओ जहां पर शेर रहते हैं। अब ये आपकी किस्मत है कि आप वहां से सही सलामत बाहर आ जाएंगे, नहीं तो शेर के सामने आपकी क्या बिसात है। मित्रों, एक मिनट में आपके प्राण आपके शरीर से खींच लेगा शेर। और जिस तरह हर जंगल में शेर नहीं होता है, उसी तरह हर घर में प्रेत आत्मा हो ये भी संभव नहीं है। तो मित्रों, जिस प्रकार भगवान के होने का आभास हमें होता है, उसी प्रकार भूत प्रेत का भी आभास आपको हो जाएगा। मित्रों, इस वीडियो में आपको ये 15-16 संकेत जो बताऊंगा मैं आपको, उससे आप समझ जाएंगे कि आपके आसपास भूत प्रेत मौजूद है। ऐसे में आपको तुरंत ही अपना बचाव करते हुए उस जगह से दूर चले जाना चाहिए। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप ऐसी और भी जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला संकेत, हमारे धर्मगुरुओं और मनोवैज्ञानिकों से ये कहते हुए सुना होगा कि आत्माओं का बिजली के ऊपर नियंत्रण होता है। आपने कभी कभी ये देखा होगा कि आपके घर में नए बल्ब भी लिपझिप करके जलने बुझने लगते हैं और आप मन ही मन ये सोचते हैं कि क्या फालतू का ड्रामा चल रहा है। तो ऐसे में एक बार आपको शांत मन से अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाकर ये सोचना चाहिए कि आखिर ये कौन कर रहा है। तो आपको जिस भी मृत इंसान या भूत प्रेत का चेहरा दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि ये सब यही कर रहा है, क्योंकि भूत प्रेत आपकी मन की बातें पढ़ भी सकते हैं, साथ ही आपके मन ही मन में उत्तर भी दे सकते हैं। आपने अपने बुजुर्गों से ये भी सुना होगा कि अगर भूत प्रेत आपके आसपास हैं तो आपको अपने मन में भी कोई विचार नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो वो उसे पहले ही जान जाएंगे। दूसरा संकेत, अगर आपको लगे कि आपको कोई आवाज़ देकर पुकार रहा है तो अक्सर इस तरह की आवाज़ें आपका कोई ऐसा जानने वाला देता है जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है और वो मरने से पहले आपसे कुछ बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। मित्रों, इस तरह की आवाज़ें ज़्यादातर को अच्छी आत्माएं देती हैं, लेकिन कभी कभी ये आवाज़ें भूत प्रेत देकर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है मित्रों। जब तक आपको ये पता ना चल जाए कि वो आत्मा आखिरकार है किसकी, तब तक आपको उसकी कोई भी बात ना तो माननी है और ना ही उसके बुलाने पर उसके पास भी नहीं जाना है। अगर आप ये गलती कर देते हैं तो इसका भयंकर परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा संकेत, मित्रों अक्सर आपने देखा होगा कि आपने अपने घर की घड़ियों में नई नई सेल डाली है लेकिन फिर भी वो कुछ समय बाद अपने आप ही चलनी बंद हो जाती है और किसी निश्चित समय के आसपास आकर रुक जाती है। तो आप समझ जाइए कि आपका कोई जानने वाला जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। ये समय आपसे भी किसी खास दुर्घटना या खास पल से जुड़ा हुआ है जो आप दोनों को एक साथ जोड़ता है। चौथा संकेत, यदि आप अपने घर में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और वहाँ का तापमान एकदम से कम होने लगता है जबकि आपके सारे घर में एक सा तापमान बना हुआ था और आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चलाई है जो आपके घर को ठंडा कर सकती है या फिर गर्म, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में कोई भूत प्रेत घूम रहा है जो अब अपनी उपस्थिति होने का एहसास आपको कराना चाहता है। ऐसे में यदि आप घर में अकेले हैं तो अपने घर की रोशनी को बंद ना होने दें और संभव हो तो घर से बाहर चले जाइए
और घर के अन्य सदस्यों को भी घर के अंदर तब तक ना आने दें जब तक कि आपको पूरा विश्वास ना हो जाए कि अब ये भूत प्रेत आपसे भी डरकर भाग जाएगा। पांचवा संकेत, मित्रों अगर आपको एकदम से बार बार तितलियां दिखाई दे रही हैं, वो भी तब जब आपका कोई करीबी अभी हाल फिलहाल में गुजर गया है, तो वो आपको ये बताना चाहता है कि अब उसकी आत्मा इस रूप से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है और उसका भटकना भी अब बंद होने वाला है, क्योंकि अब वो किसी दूसरे शरीर में नया जन्म लेने वाली है। इसलिए आपको अपने उस परिचित के लिए खुश होना चाहिए क्योंकि उसे मुक्ति मिल चुकी है। छठा संकेत, मित्रों यदि आप किसी सुनसान जगह पर जा रहे हैं और आपको अचानक से सेंट यानी इत्र की बहुत ही तीव्र गंध आने लगती है, तो आपको उस जगह से तुरंत भाग जाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सेंट या परफ्यूम की खुशबू आपके पास आती जा रही है, तो ये संकेत किसी चुड़ैल के आपके पास में होने के हैं और वो आपसे या तो कुछ बताना चाहती है या फिर आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब क्योंकि हमें नहीं पता कि उस चुड़ैल का मकसद क्या है, इसलिए आपको पीछे बिना देखे वहाँ से भाग जाना चाहिए, जिससे आप मुसीबत में पड़ने से बच सकते हैं। देखिए मित्रों, जब आप अकेले हो या फिर आपके जानने वालों को आपने इस बारे में नहीं बताया है, तो आपको फालतू की होशियारी नहीं करनी चाहिए। किसी प्रेत आत्मा से ऐसे ही संपर्क नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो होशियारी आपके ऊपर भी भारी पड़ सकती है, जिसमें आपके जीवन को भी संकट हो सकता है। मित्रों सातवां संकेत, मित्रों आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब आप अकेले होते हैं और आप तिरछी नज़रों से देखते हैं या फिर दबी दबी नज़रों से देखते हैं, तो आपको कोई साया यानी परछाई नज़र आती है, और जैसे ही आप सीधी नज़रों से वही साया देखते हैं तो वो गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई भूत प्रेत आपसे संपर्क करना चाहता है। अब ये भूत प्रेत जब तक आपसे संपर्क यानी बात नहीं कर लेता है, तब तक ही आपको ऐसे ही परेशान करता रहेगा। इसलिए आपको अपने परिवार के सदस्यों को ये बात बताकर किसी ज्ञानी तांत्रिक की मौजूदगी में उस भूत प्रेत से संपर्क करके उसकी बात सुननी चाहिए। हो सकता है कि वो आपका कोई अपना ही हो जो कुछ समय पहले ही गुजरा हो और किसी अधूरी इच्छा की पूर्ति के लिए आपसे संपर्क कर रहा हो। आठवां संकेत, मित्रों यदि आपको सोते जागते या किसी दर्पण में अपने किसी ऐसे परिचित का साया बार बार दिखाई दे रहा है जिसकी मृत्यु हाल फिलहाल में हुई है, और उसकी मृत्यु कोई सामान्य मृत्यु ना होकर किसी अपराध के तहत की गई है, तो ऐसे में वो अपने लिए इंसाफ की तलाश में आपसे संपर्क बना रहा है, और जब तक उसे इंसाफ या फिर उसका असली जीवन काल समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वो प्रेत आत्मा बनकर आपके आसपास ही मंडराता रहेगा। इसलिए आपको किसी ज्ञानी तांत्रिक को बुलाकर उससे बातें करके उसकी समस्या सुननी चाहिए। अगर आप उसकी मदद करने में असमर्थ हैं, तो उसे अपनी बात भी बता देनी चाहिए, जिससे वो आपका पीछा करना बंद कर देगा। नौवां संकेत, मित्रों यदि आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल में आपको कुछ अनजाना मैसेज और मेल पढ़ने को मिलते हैं, या फिर आपके किसी मरे हुए रिश्तेदार की पिक्चर अपने आप ही खुल जाती है और आपका कंप्यूटर या मोबाइल बिना किसी टेक्निकल फॉल्ट के अपने आप ही खुलता और बंद होता रहता है, तो ये इशारा है कि किसी का साया यानी प्रेत आत्मा आपके आसपास मौजूद है। मित्रों ऐसा ही एक वाक्य दिल्ली की कड़कड़डुम्बा कोर्ट में देखने को मिला था, जहाँ पर कोर्ट का मेन स्विच बंद होने के बाद भी ताला बंद कोर्ट रूम के अंदर सारे कंप्यूटर अपने आप ही चलने लगे थे, और उन सभी कंप्यूटर में एक ही ईमेल खुली हुई थी, यानी कोई प्रेत आत्मा उस कोर्ट में मौजूद थी जो कि अपने होने का आभास कराना चाहती थी। दसवां संकेत, मित्रों कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई हमें छू रहा है जबकि हमारे आसपास कोई नहीं होता है, तो ये इस बात को बताता है कि आपका कोई बहुत ही करीबी आपके आसपास है जो अब भूत या प्रेत आत्मा बन चुका है, और वो आपसे बात करना चाहता है लेकिन किसी रुकावट के कारण आपसे बात नहीं कर पा रहा है। ग्यारहवां संकेत, मित्रों कभी कभी आप देखते होंगे कि आप अपनी या फिर अपने साथियों की फ़ोटो खींचते हैं, तो आपको अपने फ़ोटो में धुंध दिखाई देती है जबकि आपके आसपास धुंध जैसा कुछ भी नहीं होता है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके आसपास
कोई बहुत ही शक्तिशाली भूत प्रेत की आत्मा भटक रही है और ज़्यादातर इस तरह की भूत प्रेत वाली शक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मित्रों, ऐसा ही वाक्या 2010 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में जब देखने को मिला था, जब कुछ 4-5 दोस्त एक बड़े से पार्क में पिकनिक बना रहे थे और वो सभी लोगों से दूर जंगल के पास में अपना फ़ोटो खींच रहे थे। उस टाइम कैमरा में जो फ़ोटो खींचते थे वो नेगेटिव रील पर बनते थे, उन्हें फ़ोटो बनाने के लिए फ़ोटो बनाने वाली दुकान पर देना होता था। जब तक 6-7 दिन में वो फ़ोटो उनके पास आए, तब तक उनके 3 दोस्त किसी न किसी हादसे में मारे जा चुके थे। सभी लोग इसे एक्सीडेंट मान रहे थे, लेकिन फ़ोटो में एक भूत की धुंधली तस्वीर देखने के बाद वे समझ गए कि ये सब इसी की वजह से मारे गए हैं, क्योंकि उनकी सभी फ़ोटो में भूत की वो धुंधली तस्वीरें नज़र आ रही थी। फिर बाकी के जो दोस्त जिंदा थे, उनके घर वालों ने अपने घर में भूत बाधा दूर करने वाला तांत्रिक हवन करवाया और उस भूत को अपने पास से भगा दिया, नहीं तो वो उन्हें भी मार देता। बाहरवा संकेत। मित्रों, कुछ भूत प्रेत या पिशाच इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो किसी का भी रूप लेकर आपके पास आ सकते हैं और आपसे बातें कर सकते हैं या फिर वही काम करेंगे जिनके लिए ये जाने जाते हैं, आपको मारने की कोशिश। अब इनके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले उनकी आंखों में देखना चाहिए। भूत प्रेत पिशाच आदि आत्माएं अपनी आंखें नहीं झपकाते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वो आपको देखते देखते आपके अंदर ही खो से गए हैं। दरअसल वो सीधे आपकी आत्मा को देखते रहते हैं, उन्हें आपके ओरा यानी आत्मा की शक्ति की ज़रूरत होती है, आपके शरीर की नहीं, जिससे वो और भी शक्तिशाली बन जाएंगे। उनके चेहरे को देखकर भी आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर भी कोई भाव नहीं होते हैं, ना तो वो खुश दिखाई देते हैं ना उदास, एकदम भूत की तरह दिखाई देते हैं। अब ये कैसे पता करें कि वो आत्मा या भूत प्रेत जो भी आल बबाल है वो अच्छा है या बुरा? मित्रों, अगर उसके पास होने पर आपका दम सा घुटना लगता है तो वो पक्का बुरी शक्तियों वाला साया है, और यदि उसके पास होने पर आपको अच्छा महसूस होता है तो वो अच्छा साया है। अब ये सब जानने के बाद भी वो इंसान नहीं है तो आपको वहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, अपने मन में कुछ भी सोचे बिना ही। तेरहवा संकेत। मित्रों, भूत प्रेत जिन जिन्नात पिशाच आदि की परछाई नहीं बन पाती है, क्योंकि वो 3 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, वायु, अग्नि और आकाश। वो सिर्फ उस समय के लिए ही अपनी शक्ति के बल पर परछाई बना पाते हैं। ऐसे में यदि आपके पास कोई भी ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी परछाई नहीं बन रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये प्रेत आत्मा या कोई और बुरी शक्तियों वाली आत्मा है और तुरंत उससे दूर भाग जाना चाहिए। 14वां संकेत। मित्रों, ये भूत प्रेत आदि जितनी भी आत्माएं होती हैं ये धरती के गुरुत्व बल से मुक्त होती है, इसलिए इनके पैर पूरी तरह से धरती को नहीं छू पाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि आत्मा या कुछ और ही आल बवाल है। 15वां संकेत। मित्रों, भूत प्रेत आदि का पता करने के लिए आपको अपने पास मौजूद किसी मिरर में या फिर किसी ऐसे धातु में उसको देखना चाहिए जिसमें उसका प्रतिबिंब बन जाए। अगर वो प्रेत आत्मा है तो उसका प्रतिबिंब शीशे में नहीं दिखेगा, और यदि वो पिशाच है तो उसका असली रूप आपको शीशे में देखने को मिल जाएगा। अब ये देखने के बाद आपको शांत होकर उसके पास से चले जाना चाहिए, नहीं तो आपको अकेला देखकर वो आपके ऊपर हमला भी कर सकता है और आपकी आत्मा की शक्ति अपने अंदर भी ले सकता है। 16वां संकेत। मित्रों, यदि आपको अपने कानों में अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है और उसमें आपको कुछ ऐसे शब्द और वाक्य सुनने को मिलते हैं जो आपने सोचे ही नहीं है, तो ये संकेत है इस बात का कि कोई प्रेत आत्मा टेलीपैथी के जरिए आपसे बात करना चाहती है, वो अपनी मौजूदगी के बारे में आपको बताना चाहती है। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय राधे कृष्ण। मित्रों।